हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिट मी 05। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन, इंटरेस्ट वे ऑफ और एनपीए पे जो सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मोडर लगा रखा है, जिससे कोई भी लोन अकाउंट को अभी डीग्रेड नहीं किया जा सकता, किसी भी लोन अकाउंट को एनपीए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पर लगातार यहाँ पे बैंक सभी कस्टमर के लोन अकाउंट को एनपीए में कन्वर्ट किए जा रहा है। ऑलमोस्ट 80% ऐसे लोन है जिसको एनपीए में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जब एनपीए में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद कंटिन्यू होता क्या है, आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट पड़ेगा, आप डिफॉल्टर लिस्ट में जाओगे और भविष्य में कभी भी लोन लेने में आपको हमेशा परेशानी आएगी। पर यहाँ पे जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो हमेशा दो पक्ष होते हैं, पहला जो आपको मोरेटोरियम देना चाहती है, दूसरा वो पक्ष जो आपके मोरेटोरियम देना नहीं चाहती है। आज यही कारण है कि जो इस पर जो सुनवाई है ऑलमोस्ट 3 महीने से चल रही है, आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में किसी भी डेट में आपको लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन पे क्लियर वर्डिक्ट नहीं मिला है। आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि इस डेट में भी क्या मिला होगा, आज की जो सुनवाई है इसको टाल दिया गया है बुधवार तक। सुप्रीम कोर्ट ने सबका वर्डिक्ट सुना, सबके पक्ष को सुना, जो मोरेटोरियम देने के पक्ष में है वो क्लियर बोल रहे थे। जो भी जितने भी रिकवरी एजेंट है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, यहाँ पे बैंक कंटिन्यू चार्ज किए जा रही है, कितने चार्ज है, फाइन है, ECS चार्ज है, वह बहुत सारे चार्ज है। ऊपर से रिएजेंट पेश आते हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर से जैसे बात करते हैं, और जो वो तरीका अपना रहे हैं रिकवरी का वो बिल्कुल गलत है। और ऊपर से बैंक कंटिन्यू NPA में डाल रही है, उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल रही है, उन पर सिविल स्कोर को इतना ज़्यादा डाउन कर दिया गया है, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के अनुसार जब तक लोगों को पास मोरेटोरियम है उस समय किसी का भी सिविल स्कोर होता है उसको डीग्रेड नहीं किया जाता, मतलब सिविल स्कोर को डाउन नहीं किया जाता। इसके बावजूद भी सभी बैंकों ने सभी कस्टमर के सिविल स्कोर को डाउन किया, ये बात फैक्ट है। ऑलमोस्ट 80% ऐसे लोन अकाउंट है जिसको NPA में घोषित किया गया, उनके सिविल स्कोर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो इस पर काफ़ी दलील रखी गई है, बैंक एसोसिएशन का भी कहना है, बहुत सारे एसोसिएशन ने भी यहाँ पे फाइल किया कि मोरेटोरियम एटलीस्ट 31 मार्च 2021 तक मिलना चाहिए। पर बैंक का भी कहना है, क्योंकि बैंक और NBFC साफ खिलाफ है, वो मोरेटोरियम देना नहीं चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी की बातों को सुना और फाइनली बुधवार का समय दिया। उन्होंने साफ कहा कि दोनों पक्ष अपने क्लियर एफिडेविट को सबमिट करा दे, जो अपने पक्ष है उसको साफ तौर पर रखे। और ये छोटा केस नहीं है, क्योंकि NPA यहाँ पे बैंक और NBFC ने क्लियर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मोडर लगा रखा है, जिससे कोई भी लोन अकाउंट को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, जब तक क्लासिफाई नहीं करेंगे, NPA में नहीं डालेंगे, तो वो अपने पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। अब फाइनली जो आपको डेट मिला है बुधवार का, अगर आज की डेट की बात करें तो आज शनिवार है, तो ऑलमोस्ट 5 दिन का और समय दे दिया गया है। और देखिए, बुधवार को भी सुनवाई होती है कि नहीं होती है, इस पर भी बहुत बड़ा इशू है। तो इसके अवेज़ में जो भी PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम ID पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।